नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुहे कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। तो दिखाई पड़ता है और उनसे जब ज्ञान उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनको पता लगता है कि किस प्रकार से माता के कई के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है और जिसमें भगवान राम को वनवास भेजा गया और जिसके कारण की पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और वो बताते हैं, मैं तो भगवान राम का सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, उनका उनके हाथ में एक यंत्र मात्र हूँ। तो इससे हमने सीखा था कि भरत जी का क्या भाव है, परतंत्रियम। लक्ष्मण जी का भाव है सेवक, डायरेक्ट सेवा करना, लेकिन जो यंत्र इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बाद कोई इच्छा नहीं होती। और शत्रुघ्न जी का भाव है भगवत परतंत्रियम, यानी कि भक्तों की सेवा में जुड़ जाना। तो कोई भी सेवा हो सकती है, कल ही हमने डिस्कशन किया था, किसी भी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। गोल हमेशा भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता रहना चाहिए। गोल फिक्स्ड है, रोल फिक्स्ड नहीं है। तो रोल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, गोल से आसक्ति होनी चाहिए। हमारे जनरली उल्टा हो जाता है, रोल से आसक्ति होती है, गोल डामाडोल होता रहता है। और इसके बाद माता के कई और भरत जी के बीच में और वार्तालाप होता है और अंत में भरत जी ये निश्चय कर लेते हैं कि वो कुछ भी हो जाए केकई के इस षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे, इस जाल में नहीं फंसेंगे और सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे। और बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं, एक जिस प्रकार से बच्चा जमीन पर लेट कर रोने लगता है, तो केकई को दृश्य याद आता है। अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसी अवस्था थी, केकई जमीन पर लेटी थी और रोने का नाटक कर रही थी और दशरथ महाराज खड़े थे, आवाज़ असहाय अवस्था में कुछ नहीं कर सकते थे। अभी केकई के साथ वैसी तो वही सारा दृश्य उसके मानसिक पटल पर दोबारा उभर कर आ रहा है कि भरत जी लेटे हुए हैं, करा रहे हैं और बहुत उनको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, उनको वास्तविक हो रहा है। केकई तो नाटक कर रही थी और केकई असहाय अवस्था में है, उनको वह उनकी मदद नहीं कर सकती थी। तो भरत जी ने डायरेक्टली केकई को कुछ किए बिना ही केकई को इतना दर्द दिया कि अब केकई अभी तक पिता पति के मृत्यु पर नहीं रोई थी, भगवान राम के वनवास जाने पर नहीं रोई थी, लेकिन जब पुत्र की ऐसी दशा को देखा तो पूरे एपिसोड में केकई पहली बार रोने लगी भरत जी की ऐसी दशा को देखकर, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। और भरत जी ने अपने कार्यों के द्वारा केकई को उसकी गलती का एहसास दिला दिया, हालांकि कुछ उसको डायरेक्टली बोला नहीं। तो अब भरत जी तो रो रहे हैं, साथ में केकई भी बहुत फूट फूट कर रो रही है। इसके बाद भरत जी वहाँ से बाहर आते हैं, तब तक शत्रुघ्न जी भी पहुँच जाते हैं। दोनों शत्रुघ्न जी को सारी हालात का पता चलता है, दोनों भाई मिलकर फूट फूट कर रहते हैं, रोते हैं। और उसके बाद दोनों ऐसे निश्चय करते हैं कि सबसे पहले हमको माता कौशल्या कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनको सांत्वना देनी होगी, उनसे मिलने जाना होगा सबसे पहले। फिर माता कौशल्या से मिलने के लिए उनके महल में जाते हैं और जैसे ही माता कौशल्या के सामने पहुंचते हैं, कौशल्या उनको देखती है, ये बहुत तेज गति से फूट फूट कर रोने लगते हैं। माता भी उनको गले लगाती है और तीनों बहुत रो रहे हैं।
मतलब उनके क्रंदन की आवाज़ महल में गूंज रही है, जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे। तो यही है रामायण में करुणा रस। तो करुणा रस का अर्थ मतलब क्या है, रोना, लेकिन अपने लिए नहीं रोना, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे को ये कष्ट आ गए, ये भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, ये सब नहीं है, दूसरे के लिए, दूसरे के कष्टों के लिए रोना, अपने नहीं रोना, दूसरे के दुख को देख कर। यह वैष्णव के विषय में ही बताते ना, पर दुख दुखी, दूसरे के कष्टों को देख कर। तो ये रामायण में पूरी तरह से इस बात में दर्शाया गया कि हर व्यक्ति दूसरे को के कष्टों को देख कर दुख में है या क्रंदन कर रहा है, और तीनों आपस में मिलकर रो रहे हैं। तभी अचानक से माता कौशल्या उनको दूर कर देती हैं, झटका दे देती हैं, दूर हो जाओ। अभी 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 तक वो रो रही थी, लेकिन अब उनके पूरे हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है ना। तो माता कौशल्या को कहते हैं, आप, तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, आप तो बहुत खुश हो गए है ना, और मुझे पूरा यकीन है इसमें तुम्हारी भी मिली भगत जरूर है ना? या फिर तुमने केकई का सहारा लिया है और उसके केकई के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है और अपनी इच्छाओं को पूरा किया है, या फिर सारा का सारा प्लान तुम्हारा था और बेचारी मंथरा को ऐसी बलि का बकरा बना दिया। अब माता कौशल्या बहुत कठिन शब्दों का और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और उनको कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से, एक तरीके से दूर हो जाओ, मेरे सामने तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है तुमसे, जब तुमने राम को भेज दिया तो मुझको क्यों छोड़ दिया, उसको वनवास दिया था, मुझे भी दे देते, क्या मुझको यहाँ हॉस्टेज बनाकर रखना चाहते हो ताकि वो जंगल से आकर आक्रमण ना कर दे। हॉस्टेज समझते हैं ना आप लोग। माता कौशल्या के ऐसे शब्दों को सुनकर भरत महाराज पहले भरत जी पहले ही बहुत दुखी थे, उनकी छाती में और जैसे कोई और प्रहार कर रहा हो, बार बार उनको ऐसा लग रहा था, हर व्यक्ति उनको गलत समझ रहा था, उनकी कोई गलती नहीं थी फिर भी हर व्यक्ति उनको ब्लेम कर रहा था। तो भरत जी के चरित्र से आज हम सीखेंगे कि भरत जी के चरित्र हमको दिखाता है कि जीवन में हर इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट आते हैं, कौन टेस्ट को कैसे पार करना है। और ये भी हमको सीखने को मिलता है कि अगर कोई गोल मिशन हम अचीव करना चाहते हैं तो उसमें इस प्रकार के टेस्ट आ सकते हैं, तो उन टेस्ट को कैसे पार करना है ताकि हम अपने गोल से डेविएट ना हो। तो भरत जी का क्या गोल है, भरत जी का गोल है भगवान राम को वापस लेकर आना। तो उसमें उनको कुछ टेस्ट का सामना करना पड़ा है। तो ये सबसे पहला टेस्ट उनके सामने आया कि उनको माता कौशल्या के द्वारा उनको ब्लेम किया गया, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि उनकी गलती नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला, सारी की सारी गलती आप ही की होगी, ये आप ही की मंशा थी, या आपके द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जिसके द्वारा आप सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे और इसीलिए यह सब खेल रचा गया। भरत जी ये बात सुनते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और माता कौशल्या के पाँव में गिर जाते हैं, अपने अश्रुओं की धारा से माता कौशल्या के पाँव को एक तरह से उनका अभिषेक कर देते हैं, उनको गीला कर देते हैं। और फिर माता कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए अपनी सिंसियरिटी का, या सिंसियरिटी व्हाट आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, है गंभीरता, ये अपनी गंभीरता का, सिंसियरिटी सीरियसनेस का एहसास दिलाने के लिए बहुत वाव लेते हैं या ऐसे प्रण लेते हैं। और ये प्रण वो ले रहे हैं, यहाँ पर बताया गया कि कुछ नेगेटिव अफर्मेशन ले रहे हैं। तो अब भरत जी 50 कम से कम 50 ऐसे पाप का वर्णन करेंगे जो पाप अगर एक व्यक्ति एक भी कर दे तो उसका पूरा जीवन ध्वस्त हो सकता है, पूरा का पूरा उसका जीवन नष्ट हो सकता है। वो कहते हैं कि वो इन 50 पापों को बताते हुए कहते हैं कि अगर मेरे मन में थोड़ी सी भी इच्छा हो, थोड़ी सी भी ऐसी मंशा हो कि मैं राज्य को हासिल करना चाहता हूँ या इसमें मेरा कुछ भी हाथ हो, तो इन सब पापों का फल मुझे लग जाए, एक का नहीं सबका फल मिल जाए और मैं हर प्रकार से
उसका रिएक्शन झेलने को तैयार हो। अगर मेरे मन में थोड़ी सी भी इच्छा ऐसी हो तो हम 50 का वर्णन नहीं करेंगे, प्रभु जी ने उसको कैटेगराइज कर दिया एक तरीके से, तो उसको हम कैटेगरी को डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने बताया कि अगर ये ऐसे पाप जो एक लीडर के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे पाप जो एक धर्म का पालन करने वाले के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे पाप जो एक सोशल व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, या ऐसे पाप जो एक गृहस्थ के द्वारा किए जाते हैं। तो इन चार कैटेगरी में देखा जाए तो जो लीडर के द्वारा पाप किए जाते हैं, टैक्सेस ले लेना लेकिन प्रोटेक्शन ना देना, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। टैक्स तो लगाते गए लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है सिटीजन्स के लिए। या फिर ठीक है, युद्ध से भाग जाना और जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको उनका सही पूरा पैसा नहीं देना, पूरा सैलरी नहीं देना, तो एक लीडर के द्वारा ऐसे कुछ पाप हैं। फिर उसके बाद एक धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुछ पाप होते हैं कि उसने किसी प्रीस्ट या पुजारी को बुलाया और बोला कि आपको अच्छा खासा धन देंगे, आप आइए कर दीजिए, और वो बाद में बोला नहीं जी हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम में काम चला लो, इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। या बिना भोग लगाए भोजन को ग्रहण करना बहुत बड़ा पाप, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अध्यापक का निरादर करना, संध्या के समय सोना, ठीक है, या फिर शास्त्रों को सही रूप से समझे बिना या जिस प्रकार से गुरु के द्वारा उनको समझाया जाता है उनके मूल तथ्यों को या तत्वों को नहीं समझे बिना ही उनका ऐसे अध्ययन कर डालना, मैकेनिकल स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ये भी पाप है। बोले रोज करते हैं प्रभु जी कैसे बचेंगे, तो जैसे समझाया जाता है वैसे अप्लाई करना चाहिए। और फिर एक सामाजिक व्यक्ति के द्वारा, जो समाज के स्तंभ हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कार्य करना जो भी पाप के रूप में आते हैं, ये इनको प्रभु जी ने बताया सिंस ऑफ इनरिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इस कार्य करने की उनको जिम्मेदारी लेनी है। कभी वो ऐसी उच्च पोजिशन के ऊपर हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भिखारियों की ऐसी गलत से उम्मीद जगा देना भिखारियों को, हाँ हाँ तुम्हें बहुत पैसा इस प्रकार से देंगे, दूसरे के घर में आग लगाना, पीने के पानी को दूषित करना, है ना, दूसरे के भोजन में विष डालना, या फिर सोती हुई गाय को लात मारना, और ऐसे लोगों को गिफ्ट बांटना जो कि पूरे डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। और उसके बाद ग्रस्तों के द्वारा भी कुछ ऐसे पाप किए जा सकते हैं, है ना, और उसमें वो बताते हैं कि दूसरे की पत्नी को संबंध बनाने के लिए उकसाना, मित्र को धोखा देना, या माता पिता की सही रूप से सेवा न करना, या उनका निरादर करना, उनको कष्ट पहुंचाना, और किसी के द्वारा बताया गया कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर देना, टॉक ऑफ द टाउन बना देना, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे वीडियो बनाकर डाल देना, और दूसरे के सामने, दूसरे कौन व्यक्ति, दूसरों के सामने, फैमिली मेंबर्स हो चाहे नौकर चाकर हो, उनके सामने बहुत अच्छा भोजन ग्रहण करना और उनके साथ शेयर नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप। बार बार पीछे मुड़ के कहे तो ये कुछ शिक्षाएं वाल्मीकि जी हमको दे रहे हैं यहाँ पर। भरत महाराज के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसे प्रण लिए कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए कि जीवन में हर कार्य करने का कुछ ना कुछ रिएक्शन हो सकता है और इनसे हमको बचकर चलना चाहिए। और जब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भरत जी गिनाने लगे तो माता कौशल्या को समझ में आ गया कि इनके अंदर उनकी कोई मंशा नहीं थी, तो इसलिए वो जाती हैं और उनका एक तरीके से मुंह पकड़ लेती हैं, नहीं बस बस और कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर माता कौशल्या उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनका कि मैं आप पर यकीन करती हूँ इस बात को कहने के लिए कहती हैं कि हो सकता है कि चांद एक दिन जहर उगलने लगे, हो सकता है बर्फ में आग लग जाए, और हो सकता है कि जल के जो जीव जंतु हैं एक्वेटिक्स वो जल से बाहर रहना शुरू कर दें, लेकिन भरत, या हो सकता है कि आध्यात्मिक
जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारा उससे गलतियों का सुधार होना बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन भरत कभी भी भगवान राम के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तो इस प्रकार से माता कौशल्या उनको विश्वास दिलाते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो भरत जी का सबसे पहले टेस्ट हुआ, उनको माता कौशल्या के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है ना, और हमेशा ऐसे हो, जनरली ऐसे ही देखा जाता है कि जब भी व्यक्ति कोई कार्य करना शुरू करता है तो हो सकता है उसको क्रिटिसिज्म बहुत मिले। कोई अगर विशेष रूप से कोई नया कार्य कर रहा है, वो बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स कार्य करने वाला है, अगर कोई ऐसा कार्य करने वाला है जिसका कोई अभी तक पीछे एग्जाम्पल कोई सेट नहीं हुआ, उसके मन में कोई ऐसा विचार आता है वो करने लगता है अगर, तो लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और कभी कभी लोगों क्या होता है कि लोग उस क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हर्ट हो जाते हैं, और अब उनका मिशन उनका गोल वहीं धरे का धरा रह जाता है। नहीं छोड़ यार, लोग इतना ताना मारते हैं क्या फ़ायदा करने का, रहने ही देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, भक्ति में लोग जुड़ते हैं तो कुछ बोलते हैं, अरे पंडित जी कह इतनी ऐसे है क्या भक्ति में लगे हुए हो, ये कोई उम्र है भक्ति करने की, है ना, कुछ दान दो चार ताने और मारते हैं तो लगता है छोड़ यार, क्या तिलक लगाना, क्या सीधा रखनी, क्या धोती कुर्ता पहनना, रहने ही देते हैं, है ना, तो सारी भक्ति वहीं बंद हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। लेकिन भरत जी ने कैसे क्रिटिसिज्म को डील किया, उन्होंने कुछ वॉज लिए, कुछ एफर्मेशंस ली, यहाँ पर तो उन्होंने वो एक तरीके से जो नेगेटिव एफर्मेशन दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वॉ लिए और उनसे कि अपने मार्ग से चित नहीं होना, वो उसको उसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए वो करने को एक तरीके से यहाँ पर तैयार है, ठीक है। और फिर उन्होंने कुछ ये भी देखा कि जो व्यक्ति अगर क्रिटिसाइज कर रहा है कि वाकई उसका भाव क्या है, उसका कि वो वाकई मेरे को हर्ट करने का प्रयास कर रहा है या वो खुद हर्ट है, और तब उसके मुंह से ऐसे वाक्य निकल रहे हैं। तो कौशल्या माता की सही स्थिति को जानते हुए कि शी इज हर्ट, वो पहले से ही हर्ट है, इसीलिए उन्होंने उनके शब्दों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन जो करना है उसका उस उन्होंने कुछ ऐसे रिजॉल्व लिए, कुछ ऐसे वॉज उन्होंने लिए जिससे कि वह इस स्थिति से हार निकल पाए या अपने आप को साबित कर पाए। इसके बाद भरत जी वशिष्ठ जी से मिलने जाते हैं। वशिष्ठ जी उनको एक उनसे कुछ कथा सुनाते हैं। वशिष्ठ जी उनको कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास तीन सिक्के होते हैं, तीन सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक पहलू या एक साइड कॉइन कॉइन समझते हैं ना, जिससे हेड हेड एंड टेल, तो एक साइड हेड है दूसरा साइड टेल है, वो उस रिस्पेक्ट में नहीं बता रहे कि एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, तो बता रहे एक साइड हमको पसंद आती है और दूसरी साइड हमको पसंद नहीं आती। बोलते हैं पहला सिक्का है जिसको हम कॉइन ऑफ हैंकरिंग कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें खुशी है और गम है। तो सिक्का कभी हम कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, हमेशा एक समान नहीं रहता, वो कभी खुशी आएगी कभी गम आएगा, है ना, तो खुशी आती है हमको पसंद है, गम आएगा तो हमको ना पसंद है। फिर उसी प्रकार से एक जीवन में दूसरा सिक्का होता है एक्सपीरियंस का, जिसमें क्या है, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बताया, एक्सपीरियंस में खुशी और गम है, और जो पॉइंट ऑफ हैंकरिंग है उसमें हंगर और थर्स्ट है, वाइन ऑफ एंग्री हंगर और थर्स्ट, और जीवन क्वाइन ऑफ एक्सपीरियंस में खुशी और गम, और इसी तरह से क्वाइन ऑफ एग्जिस्टेंस जीवन और मृत्यु। तो वशिष्ठ जी उनको ये बात क्यों बता रहे हैं, सॉरी उनको ये बात बताते हुए कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि हर समय क्वाइन ऐसा नहीं है कि हम हर समय हमको वो साइड होगी जो हमको पसंद है, कभी कभी वो साइड भी हो सकती है हमको पसंद नहीं है, तो कभी तीनों भी एक साइड एक जैसी हो सकती हैं और तभी कभी तीनों अलग भी हो सकती हैं।
लेकिन वो बताते हैं कि अगर तीनों वो साइड हुई जो हमको पसंद नहीं है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम कैलमिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब वो इनको क्यों बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि भरत जी बहुत दुखी थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर पाए, अपने आपे में नहीं थे, बस रो रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उनको क्यों ये बता रहे हैं कि कभी दुख आता है, कभी खुशी आती है, इससे जीवन रुकता नहीं है। अगर आज मेरे जीवन में दुख है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिक्का जो क्वाइन है उसकी साइड बदलेगी नहीं, परमानेंट नहीं है, बदलेगी, एक दिन वो बदलेगी और जीवन में बदलाव आएगा। जो आज दुख है वो कल खुशी में भी तब्दील हो सकता है या बदल सकता है। इसलिए उसके लिए, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसके लिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और जीवन इससे रुकता नहीं है। इसीलिए आप उठो और आपके पिता का दाह संस्कार करो। अभी आवश्यकता किसकी है, समय की पुकार यही कहती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाओ। सबसे पहली जिम्मेदारी आपके सामने है जो अपने पिता का दाह संस्कार करना। और इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि की बात मानकर भरत जी अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं, और उस दाह संस्कार करते कुछ सिंबल्स बताए हैं, उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, कि अपने पिताजी को अग्नि देते हैं, फिर उनका एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं पिता की चिता की। तो एंटी क्लॉकवाइज किसके, अनवाइंड करने के लिए, जो हमारा उनसे संबंध बन गया था, अब उसको अनवाइंड कर रहे हैं। संबंध यहीं पर समाप्त होता है, अब आत्मा चली जाएगी अपने अलग डेस्टिनेशन में, संबंध को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। क्लॉकवाइज मतलब अटैचमेंट बिल्ड करना, भगवान के क्लॉकवाइज करते हैं ना, तो इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर उसके बाद एक घड़ा, आजकल तो शायद होता ही नहीं होता, पिक्चरों में ज़रूर दिखा देते हैं, तो वैसे तो ये उचित है, अभी ऐसा प्रॉपर प्रोसीजर के अनुसार एक घड़े के साथ लेकर किया जाता है, तो उसमें छेद कर दिया जाता है। तो जब उसमें छेद किया जाता है, उससे पानी बहता है, पानी उसके अंदर जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है प्राण, व्यक्ति के प्राण, और जब वो उससे निकलता है तो इसका मतलब कि प्राण निकल गया। तो ये शरीर हमारे सामने है, अब इससे प्राण निकल चुके हैं, आत्मा जा चुकी है इससे, और फिर उसको पीछे फोड़ दिया जाता है, और फिर आप पीछे मुड़कर देखते नहीं और आगे चले जाते हैं। इसका क्या मतलब, ये अब प्राण तो निकल चुके हैं, अब शरीर से अटैचमेंट रखने का कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ना है शरीर के साथ। ये शरीर के साथ कब तक अपना अटैचमेंट बना के रखोगे, जितना अटैचमेंट बना के रखोगे उतना दुख का होगा। और इसीलिए प्राण निकल चुके हैं तो बॉडी को भी प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है, उसका हानि। और फिर उसके बाद एक शोक का पीरियड होता है, वैष्णवों के लिए तो बताया जाता है कि वो 12 दिनों का शोक पीरियड करना चाहिए, क्योंकि उस समय अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है उसके साथ। तो वो 12 दिन के दौरान उस व्यक्ति को भी याद कर सकते हैं अपने संबंधों को, उसके बाद पूरा उस समापन करके फिर उसको पूरा भूल जाना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कई लोग उसी में परेशान हो जाते हैं और अपना जीवन उनका वहीं पर स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो इतना उचित नहीं है, क्योंकि हर जीव आत्मा अपना हिस्से का जीवन यहाँ लेकर आया है और अपना रोल निभाया। ये एक ड्रामा है, स्टेज है, अपना रोल निभाया, अब चला गया वो। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी भक्त लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि इस पीरियड के दौरान, जब जिसको हम सूतक का पीरियड भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ प्योरिफिकेशन भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ क्वारंटाइन कहते हैं जिसको इंग्लिश में, सूतक का मतलब क्वारंटाइन होता है, पीरियड ऑफ क्वारंटाइन। तो इसमें क्या डीटी वर्शिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की मानसिक चेतना कैसी है। अगर उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, भगवान की आरती करते हुए उसके आंसू बह रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बार बार वही चिंतन आ रहा है, अपने आप को स्वच्छ भी नहीं रख पा रहे, तो कैसे ड्यूटी वर्शिप करेंगे, बार बार रो रहे हैं, तो इसीलिए। लेकिन अगर स्थिति ठीक है, ड्यूटी की सेवा कोई करने वाला नहीं है और आप अपने आप को संभाल पाए हैं, तो
तो ड्यूटी की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो ड्यूटी को किसी और को दे देना चाहिए एटलीस्ट उस पीरियड के लिए, या कोई और मेंबर जो इतना डिस्टर्ब नहीं है, कोई डिस्टेंट रिलेटिव दूर का रिश्तेदार भी ये सेवा कर सकता है, या किसी और के घर में उनको दिया जा सकता है ताकि उनको वहाँ पर भोग पूजा अर्चना इत्यादि हो पाए। जनरली रेकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि डिस्टर्बेंस अटैचमेंट के कारण बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद दाह संस्कार करने के पश्चात शत्रुघ्न जी भरत जी से चर्चा कर रहे हैं कि मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही, बहुत ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतना सब कुछ हो गया और इतने विवेकी और इतने बलवान लक्ष्मण जी के होते हुए ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने कैसे होने दिया। उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करा ना, विवेक, विवेकी, विवेक मतलब जो कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है, सही गलत में भेद करने की क्षमता करता है, और ये उनके अंदर ये भी ज्ञान है कि कब सही निर्णय लेना है, और दूसरा कि उनके अंदर शक्ति भी है, हर स्थिति को टैकल भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया उनके रहते हुए, मुझको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, उनके रहते इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो इसमें इस डायलॉग से क्या है कि जिस व्यक्ति में विवेक है और जो समर्थ है एक्शन लेने में, तो अगर जरूरत पड़ती है तो एक्शन जरूर लेना चाहिए, इन एक्शन में नहीं बैठ जाना चाहिए, सही एक्शन को जरूर लेना चाहिए। और हालांकि उनको तो एक तरीके से भगवान धाम के द्वारा तो कही गया था, ये स्थिति नहीं पता, लेकिन आपस में वो चर्चा कर रहे हैं, तभी उनके गार्ड मंथरा को घसीटते हुए उनके रूम के अंदर ले आते हैं कि, और मंथरा को देखते हैं, पूरे अयोध्या से उसकी स्थिति अलग है, सब लोग बहुत उदास हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं सबके, कोई खुशी का माहौल नहीं है, मंथरा ने पूरा अपने आप को ड्रेस किया हुआ है, वो बोलते हैं ना वार्ड मैन आउट, इतने गहने एक तरीके से लादे हुए थे, तो वर्णन आ रहा है कि एक जैसे बंदरी के ऊपर गहने डाल दिए गए, उसने सारे कुबड़ के ऊपर भी गहने लपेट लिए थे, सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया था खुशी के मारे। और गार्ड उनके पास आता है, कहता है कि ये सब इसका किया धरा है कि कई के हृदय में ईर्ष्या का जहर घोलने वाली भी यही है, ये सारी आग इसके द्वारा लगाई गई है, और जैसे ही शत्रुघ्न जी को इसके विषय में पता चलता है वो उसको घसीटना शुरू कर देते हैं, उनका एक शेर के समान धार मारते हैं, उनको पकड़ते हैं, घसीटते हैं, और उस बलपूर्वक उसको मतलब एक तरीके से उसकी अच्छी खासी पिटाई कर रहे हैं। जब केकई मंथरा की ऐसी आवाज सुनती है तो भागी भागी आती है और कहती है इसको छोड़ दो, बख्श दो इसको, और भरत जी से प्रार्थना करती है। भरत जी जो शब्द कहते हैं बहुत लेसन देने वाले हैं, भरत जी कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का यकीन होता कि भगवान राम मेरे इस कार्य से खुश हो जाएंगे, कब तक इस मंथरा को मृत्यु के घाट उतार दिया होता, इस बात की मैं कोई वेट नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउटफुल किस बात में हूँ कि अगर मैं हर कार्य को जस्टिफाई भी कर दूंगा, अपने कार्य को मैं साबित भी कर दूंगा, मंथरा की गलती को भी एस्टैब्लिश कर दूंगा, उसके बावजूद भी मैं अगर भगवान राम से बातचीत करूंगा तो वो कहेंगे एक स्त्री का वध क्यों किया, और मुझको यकीन है कि वो मेरे कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे, सिर्फ इसीलिए इस मंथरा को हम छोड़ देते हैं क्योंकि भगवान राम हमारे कार्य से प्रसन्न नहीं थे। तो यहाँ पे भरत जी के जो चरित्र का वर्णन आया है, भरत उनके नाम का बताया गया, भा रा और ता, कि जिनका भाव राग और ताल पूरी तरह से भगवान के साथ सिंक्रनाइज है, उनके हर भाव को समझते हैं, उनके हर राग को समझते हैं, उनके हर ताल को समझते हैं, और उनका लक्ष्य से भगवान राम को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा को प्रसन्न करना है, ठीक है। और इसका एक और मतलब है कि पूरी तरह से भगवान राम के मूड और मिशन को समझते हैं वो, और अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं कि भगवान राम का मूड और मिशन है हमको समझ में आता है, और दूसरे मेरी क्या जिम्मेदारी है कि अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लेना, मेरी ये जिम्मेदारी है ना। अगर आप भगवद्गीता इत्यादि पढ़ेंगे, भगवद्गीता के प्री फेस में बताया जाता है प्रभुपाद जी का मूड और मिशन दिया गया है, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन, तो मूड और मिशन जानते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अपने आप को अलाइन कर लेना, आवश्यकता पड़े तो अपने आप को मोल्ड कर लेना,
जरूरत पड़े तो कुछ सेक्रीफाइसेस करना, जरूरत पड़े तो कुछ तपस्या करने के लिए तैयार रहना, ये मतलब है अपने आप को मूड और मिशन से अलाइन कर लेना। तो भरत जी यहाँ पर भगवान राम की इच्छाओं के साथ पूरी तरह से ही वॉज इन सिंक, सिंक मोबाइल में होता है ना आजकल, सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डेली वो डेली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन आते हैं। लेकिन भरत जी के लिए क्या कहना उचित है, मूमेंट टू मूमेंट है ना, डिजायर टू डिजायर, एवरी विश एवरी डिजायर एवरी मूमेंट ही वॉज इन सिंक विद लॉर्ड राम। ये भरत महाराज, भरत जी का चरित्र है। तो इस प्रकार से वो दिन बीत जाता है, सब लोग विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह वशिष्ठ जी ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि भरत जी को एक राजा की तरह उठाया जाता है। जिस तरह से एक राजा को उठाया जाता है, बहुत अच्छा सुंदर मधुर वाद्य यंत्रों के द्वारा, बहुत मधुर संगीत के द्वारा, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी या वॉल्यूम बढ़ती चली जाती है, जिसका मतलब है राजा को उठाने के लिए विनती की जा रही है। और बहुत सूदिंग, बहुत प्लीजिंग, बहुत एंचेंटिंग म्यूजिक होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। अब भरत जी जैसे ही उससे उनकी आंख खुलती है तो अपने कानों पर वो हाथ रख लेते हैं, उनको कहते हैं बंद करो ये सब, मैं राजा नहीं हूँ। उनको इस बात का बहुत गुस्सा आता है, अपने शत्रुघ्न जी उनके पास हैं, उनको कहते हैं देखो हमारी माता ने हमारे लिए दुखों की कितनी कैसी व्यवस्था की है कि हर समय हर क्षण हमारे लिए दुख ही दुख है। वशिष्ठ जी पीछे छुप कर ये सब देख रहे हैं, उनका इस रिएक्शन को देखना चाहते हैं। तो जब उनके इस रिएक्शन को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं और बिना कुछ कहे उस स्थान से चले जाते हैं। तो ये उनका दूसरा टेस्ट था कि इच्छाएं होती हैं हमारी, तो ग्रॉस इच्छाएं, कॉन्शियस लेवल पे इच्छाएं तो हमारी कुछ और हो सकती हैं, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर हमारी क्या इच्छाएं हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। वशिष्ठ जी इसी बात को जानना चाहते थे और दूसरा टेस्ट लिया सब कॉन्शियस इच्छाओं का, डिजायर का। और वो कब प्रकट होती हैं, जब व्यक्ति वो सबसे जब वो कॉन्शियस लेवल पर नहीं है तो स्लीप एक ऐसी स्थिति है, कभी कभी नशे में व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहता तो वो भी तभी सारी अपनी इच्छाएं वो प्रकट कर देता है ना। तो यहाँ पर तो वो संभव नहीं है। तो सोते हुए एक तरीके से उनका एक टेस्ट लिया गया वशिष्ठ जी के द्वारा। और वैसे तो बहुत आसान है कॉन्शियसली ये कहना, तो बहुत आसान है नहीं नहीं मुझको ये नहीं चाहिए, मैं तो सपने में भी इस बात के विषय में नहीं सोच सकता, लेकिन सपना उसी का आता है। जैसे कहना तो बहुत आसान है, ना धनम ना जन्म ना सुंदर कविता वा जगदीश कामये जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति राहे तुकी त्वयि। और सपना किस प्रकार का आता है, हा धनम हा जन्म हा सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, है ना। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाएगा, इसके जैसे बोले ना बंगला मोटर कार दिला दे, ये सब कुछ मुझको मिल जाना चाहिए, सारी फैसिलिटीज मुझको मिल जानी चाहिए, सारा ऐशो आराम का बंदोबस्त होना चाहिए, कि है ना, कि भगवान के सामने तो प्रार्थना कर दी ऐसी, या नहीं भी की किसी और के सामने इस बात का बखान तो कर दिया, लेकिन जब हृदय के अंदर ऐसी सटल डिजायर अभी उपलब्ध है। तो वशिष्ठ जी यही देखना चाहते थे, कह तो दिया है इसने सबके सामने, बहुत बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या इसकी इच्छा है कि नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है, राजा बनना, राजा का ऐशो आराम कोई साधारण बात नहीं है। तो इसीलिए ये उनका टेस्ट करने के लिए आए थे। और ये सोते हुए अवस्था में व्यक्ति जब कॉन्शियस नहीं आता तो उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो लाइक करने लगता है, हाँ बजाओ बजाओ थोड़ा अच्छे से बजाओ, या ठीक है रहने दो, अगर ऐसा भी कहते हैं ठीक है रहने दो अब उठ चुका हूँ मैं, ठीक है अब कल आना, तो इससे भी व्यक्ति किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन उन्होंने दिया होता अगर उनके मन में कोई ऐसी सबकॉन्शियस लेवल पे या सटल रूप में भी कोई डिजायर होती। लेकिन भरत जी ने इससे कैसे डील किया, भरत जी हर समय चौकन्ने थे, हर समय सावधान थे, हर समय अलर्ट थे कि कैसा उनको रिएक्ट करना है। कोई भी इच्छा किसी भी लेवल पर उन्होंने
सिंहासन को प्राप्त करने के लिए प्रकट नहीं की, क्योंकि ये सटल जो डिजायर्स होती हैं वो सिर्फ सटल लेवल पर जरूर इफेक्ट करती है व्यक्ति को। इसके लिए हम एक कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे ये इफेक्ट करते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बुद्धि धन, तो नाम से जैसे बुद्धि धन, जिनके जिनके पास बुद्धि का धन है, बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे। तो उनके गुरु जी के द्वारा उनको यही पाठ पढ़ाया गया, सिखाया गया। गुरु जी का दर्शन करने गए थे तो गुरु जी ने उनको यही शिक्षा दिया कि ये सटल डिजायर्स होती हैं या विचारों में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। और विशेष रूप से जो प्रेम भाव के विचार हैं और जो नफरत के विचार हैं, इनके अंदर बहुत शक्ति होती है। प्रेम भाव के विचार आपस में बहुत क्या पॉजिटिव वातावरण उत्पन्न करते हैं, और जो नफरत के विचार होते हैं वो बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट उत्पन्न करते हैं। ऐसा देखा होगा किसी के कुछ घरों में, ऐसा देखा जाता है आपस में नफरत होती है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, तो फिर उसमें कलह ही कलह होती है, कोई भी शांत नहीं रह पाता। तो उनको ये गुरु जी के द्वारा शिक्षा दी गई। फिर वो राजा के सेवक थे, मंत्री थे, अपने अपनी सेवा में वापिस आ गए। एक दिन राजा के साथ एक प्रोसेशन पर गए। प्रोसेशन पर जाते जाते गली के अंदर राजा ने एक घर देखा। राजा ने कहा, ये घर देखो कैसा अजीब सा बना हुआ है, इन्होंने थोड़ा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिया है, आगे बढ़ा दिया है इसमें, इन्होंने ना गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर कर लिया है, इसको तोड़वा दो, सारा घर समान होना चाहिए। ठीक है जी महाराज, और ये अब चले गए, आगे बढ़ गए। अब बुद्धि धन जी थोड़ा, क्योंकि बुद्धि का धन बहुत है उनके पास, विचार करने लगे कि ऐसा क्यों कहा, पहली बार प्रोसेशन निकला नहीं, नया घर उसने बनाया नहीं, नया कंस्ट्रक्शन किया नहीं, और ये व्यक्ति बहुत लॉयल है, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत लेकिन राजा के बहुत लॉयल है, तो ऐसा क्यों आदेश दे दिया गया। तो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए वो व्यक्ति से मिलने गए, उस व्यक्ति उस मकान के मालिक से मिलने गए और पूछा कि क्या पिछले कुछ दिनों में आपने राजा के प्रति कोई दुष्विचार रखा है। बोले नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं राजा के प्रति कोई मैं दुष्विचार रखूं, सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। बोले नहीं, थोड़ा विचार करो, सोचो। कहते हैं हाँ मुझको याद आ रहा है, एक्चुअली ना मैं व्यापारी हूँ, लकड़ी का व्यापारी हूँ मैं। मैंने एक बार ना चंदन का बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीद लिया था। अब चंदन साधारणतः तो किसी को चाहिए नहीं होता, तो मेरा वो स्टॉक बहुत लंबे से पड़ा हुआ है, वो डेड हो रहा है। अब वो कैसे उसका इस्तेमाल हो, कैसे इस्तेमाल हो, मैं उसके विषय में विचार कर रहा था, तो मुझको एक आइडिया आया, अगर राशि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए ना तो मेरा स्टॉक जल्दी बिक जाएगा। मुझे ऐसा विचार आया मेरे में, तो बुद्धि धन जी उसका कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे ही कनेक्शन तो नहीं है, इसके नेगेटिव विचार से राजा के मन में नेगेटिव विचार आ गया हो। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए वो कहते हैं ठीक है, आपका सारा स्टॉक हम अभी खरीदते हैं, और उनको उनका सारा स्टॉक खरीद लिया, तुरंत पेमेंट कर दिया गया। और अब उससे पूछा गया, बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। वो खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, और उन्होंने सारा बोला कि अब इसको राशि हम अकाउंट में रख लेंगे, क्या राशि खजाने में रख लेंगे जो भी है, और जब जरूरत पड़ेगी तब इसका समय आने पर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपकी चिंता तो मुक्त हुई। अगले दिन दोबारा प्रोसेशन निकला, तो वहां से जब प्रोसेशन निकला तो राजा उनसे पूछते हैं, बुद्धि धन जी क्या आपने घर तोड़ने का आदेश दे दिया है। बोले नहीं महाराज, अभी उसका आदेश देना बाकी है। बोले देना मत, रहने देना, मैंने अपना विचार बदल दिया है, ये व्यक्ति हमारे बहुत लॉयल है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, रहने दो। तो इस प्रकार से उस उनके मन के भाव भी प्रकट बदल गए। व्यक्ति का एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी चल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसको उसके अंदर भी वैसी वाइब्रेशन या नेगेटिव विचार आ जाते हैं, यानी एक व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव विचार होते हैं वो दूसरे को जरूर प्रभावित करते हैं। लेकिन दशरथ जी हमको सिखा रहे हैं, सॉरी भरत जी हमको सिखा रहे हैं कि ये नेगेटिव या सबकॉन्शियस लेवल पे जो ऐसे डिजायर्स होती हैं उनपे उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि हमको
उनके प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, है ना। भरत जी बहुत सतर्क थे, लेकिन एक वर्णन अभी रामायण में देखें कि दशरथ महाराज बिल्कुल सतर्क नहीं थे ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस के या ऐसे विचारों के, इसलिए देखा कि ऐसी बड़ी स्थिति आ गई। मंथरा के अंदर ओरिजिनली कुछ नेगेटिव विचार थे, उसने केकई को करप्ट किया या कंटेमिनेट किया। अब केकई कंटेमिनेट हो गई, इसलिए केकई ने अपने आप को पोप भवन में क्वारंटाइन कर लिया। अब दशरथ जी ने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट मैं खुद कर सकता हूँ, हालांकि वो डॉक्टर नहीं थे और उन्होंने सोचा मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो मतलब कैपेबल नहीं थे। रानी ने संदेश दे दिया ना, मैं क्वारंटाइन कर लिया, रानी ने संदेश दे दिया, ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि कोई समस्या है। दशरथ जी को आइडियली क्या करना चाहिए था, गुरु वशिष्ठ जो कि परफेक्ट डॉक्टर हैं, ये गाइड हैं, मेंटर हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिए थी, एक्सपर्ट हैं ट्रीटमेंट करने में ऐसी चीज़ों के लिए, उनकी मदद मिली और खुद चले गए। और खुद चले गए क्योंकि वह खुद काम के द्वारा प्रभावित थे, इसलिए वो भी यानी उनके भी कुछ वीक पॉइंट है, इसलिए वो बहुत जल्दी उनके द्वारा प्रभावित हो गए। और फिर अयोध्या में ऐसी स्थिति आ गई और पूरे अयोध्या में एक तरह से नेगेटिव वातावरण आ गया। और जब ऐसा वातावरण आ गया तो भगवान राम और सीता अयोध्या छोड़ के चले गए। भगवान राम कौन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और सीता कौन, ऑस्पिशियसनेस, श्री ऑपुलेंस या वेल्थ या पीस, वो सब अयोध्या छोड़ के, वे लोग अयोध्या छोड़ के चले गए। यहाँ पर मंथरा के विषय में बताया जाता है, मंथरा किसको रिप्रेजेंट करती है, लोभ को रिप्रेजेंट करती है, के कई क्रोध को रिप्रेजेंट करती है, और दशरथ जी काम को रिप्रेजेंट करते हैं या काम से प्रभावित हुए थे, या तीनों काम तीनों इनसे प्रभावित हुए। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं थे अपने जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है, किस तरह से उनको कंटेमिनेशन हो रहा है, इसीलिए वो अफेक्टेड हो गए। लेकिन भरत जी बिल्कुल भी इससे अफेक्टेड नहीं हुए क्योंकि वो पूरी तरह से अलर्ट थे। और किस बात के लिए वो अलर्ट थे, अपने गोल के प्रति पूरी तरह से अलर्ट थे कि मेरा गोल क्या है, उस गोल से चूकना नहीं है। वो बोलते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये एक जब रोड पे जाते हुए व्यक्ति अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहा है और असावधान हो जाएगा तो भटक जाएगा, इसी प्रकार से यही रोड है जो डेस्टिनेशन या गोल प्राप्त करना है, असावधान हो जाएगा तो उसको बहुत सारे एल्यूरमेंट्स, प्रॉब्लम्स कुछ भी आ सकता है, तो उससे वो प्रभावित, अगर सावधान नहीं होगा तो भटक सकता है। लेकिन भरत जी ने यहाँ पर हमको लेसन दे रहे हैं कि अलर्ट हमको रहना चाहिए और अपने गोल से कभी भटकना नहीं चाहिए। अब इसके बाद भरत जी को दरबार में बुलाया जाता है। राजा दशरथ के ध्यान के बाद पहली बार दरबार लगा है और उसमें वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं कि अब आपको अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए, राजा दशरथ की आखिरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, ठीक है, और आपको राज सिंहासन को स्वीकार करना चाहिए। और उनको कई कारण देते हैं, हालांकि उनकी डिज़ायर टेस्ट कर चुके हैं तो अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं और उनको ऑफर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये वो तो अभी साबित नहीं हुआ ना कि अभी भरत जी की और क्या इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा अभी प्रकट नहीं की है। तो उनको बताते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति, ऐसी बहुत दयनीय स्थिति होती है, तो कुछ एग्जांपल देते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कोई शिष्य नियमों को भंग कर देता है तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, अगर कोई गृहस्था अपने कर्तव्य से भटक जाता है तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, या कोई सन्यासी अपने तपस्या के मार्ग से च्युत हो जाता है और भोग विलास से आसक्त हो जाता है तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है कि एक राजा का उपस्थित ना होना राज्य में, क्योंकि अगर राजा उपस्थित है इन सबको कंट्रोल कर सकता है, एक जो धार्मिक राजा है वो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित कर सकता है,
और फिर उनको बताते हैं जिस प्रकार से पिता की आज्ञा मानकर परशुराम ने माता का वध कर दिया था, या पुरु ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी जवानी उनको या अपना यौवन उनको ट्रांसफर कर दिया था, तो आपको भी पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अब भरत जी उनकी बात मानते नहीं हैं। भरत जी उनको 5 रीजन देते हैं कि उनको ये सिंहासन क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो पहला वो बताते हैं, जिस प्रकार से एक नग्न व्यक्ति के ऊपर गहने अगर डाल दिए जाए तो सुंदर नहीं दिखेंगे, वो क्या है, यूजलेस है, है ना। उसी प्रकार या फिर प्रश्न पूछना, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए और हृदय के अंदर कोई इच्छा नहीं है मैं इसका पालन करूंगा, तो वो यूजलेस है। लेकिन आजकल ट्रेंड है, फैशन है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न पूछने के लिए, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। ज़्यादातर ऐसा देखा, कभी कभी ऐसा देखा जाता है ऑडियंस में, प्रश्न पूछ लिया जाता है, पालन करने की कोई इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होती। तो वो क्या बताया गया, अगर पालन करने की इच्छा नहीं है तो वो भी यूजलेस है। या फिर मंत्रों का उच्चारण किया बिना भगवान की भक्ति के, तो वो भी यूजलेस है। और इसी प्रकार से भरत जी बताते हैं, इसी प्रकार से मैं भगवान राम के बिना मुझको जो भी मिलेगा वो क्या है, यूजलेस है। तो मेरा जीवन भगवान राम के बिना कुछ भी नहीं है, वो एक तरीके से उसको यूजलेस मानना चाहिए। फिर दूसरा बताते हैं, ये राज्य किसका है, भगवान राम का है। मैं किसका हूँ, भगवान राम का हूँ। दोनों भगवान राम की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे राज कर सकता है, हथियार सकता है, हड़प सकता है, तो ये संभव नहीं है। फिर उनका फिर आगे बताते हैं कि राज्य पर बैठने के लिए गुणों का होना बहुत आवश्यकता है। मुझ जैसा पापी, दुष्ट, नीच, गिरा हुआ व्यक्ति जिस जो अपने पिता की मृत्यु का कारण है ना, जिसने अपने भाई को, माता सीता को वनवास भेज दिया और उनके जीवन में आने वाले कष्टों का कारण बन गया है, मेरे जैसा पापी व्यक्ति अगर सिंहासन पर बैठेगा तो धरती माता तुरंत धस जाएगी। मेरे जैसे पापी व्यक्ति को सिंहासन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और फिर वो बताते हैं, आपने पिताजी को क्या बताया, सॉरी पुरु महाराज का बताया कि पुरु महाराज ने अपना यौवन त्याग कर दिया और मैंने क्या त्याग किया, या मेरी माता ने मेरे पिता का त्याग कर दिया या उनकी मृत्यु का कारण बन गई, है ना। तो ये कोई धार्मिक प्रिंसिपल है, इसके आधार पर मैं स्वीकार करूंगा सिंहासन, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर अंत में बताते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति कह दे कि मेरी माता ने जो वो किया है, कार्य किया है, वो धर्म के अनुसार है, तो सिंहासन तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि कलयुग त्रेता में आ गया है। बोले अगर सारे धर्म धार्मिक प्रिंसिपल मिलकर भी ये कहें, आप सब मिलकर भी कहते हैं कि आपको सिंहासन ग्रहण करना चाहिए, तो मैं सिंहासन तब भी ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि अयोध्या में अगर कोई राजा बन सकता है तो वो भगवान श्री राम है, वही राजा बन सकते हैं, ठीक है। और अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं आप सबके सामने प्रण लेता हूँ, आप सबको वचन देता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँगा और भगवान राम को वापस लेके आऊँगा। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान राम की घर वापसी है, उनको अयोध्या वापस लेकर आना है। जो जो मेरे साथ चलना चाहता है, मैं हर अयोध्यावासी को इन्विटेशन देता हूँ कि वो मेरे साथ अयोध्या से वन जा सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर कलो सम्य शक्ति जैसे कहते हैं ना, उसी प्रकार से मैं अकेला जाऊँगा तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सब अयोध्या वासियों को देखेंगे तो शायद भगवान राम का हृदय पिघल जाए। आई वॉज हियरिंग वन डिवोटी वॉज शेयरिंग, जैसे कोई व्यक्ति है भक्ति में वीक हो जाता है ना, अकेला व्यक्ति उससे बात करेगा तो बलान शायद उसकी बात नहीं माने, सारे ग्रुप के लोग 50-60-100 लोग पहुंच गए उसके घर में, क्या बात होगी, तो बोलेगा अच्छा यार ठीक है, दिमाग बताओ, चलता हूँ, क्या करना है बताओ, है? तो उसका बहुत प्रभाव होगा। इसीलिए सबको उन्होंने साथ में लिया, माताओं को साथ में लिया, सबको साथ में लेना। और अब भगवान राम तो जंगल के रास्ते से चले गए, अब पूरा का पूरा राज्य को जाना है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पूरे जंगल साफ कर दिए गए। साफ करने का मतलब ये नहीं है कि जंगल जब साफ कर दिए गए तो बस काट दिए गए, जैसे आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एक जगह जब साफ किया गया दूसरी जगह बसाया गया,
पुल बनाए गए, रोड बनाई गई, और मैसिव एक आप देखो ना कितना मेहनत का कार्य कर रहे हैं, कितनी मेहनत का कार्य, आसानी से सिंहासन नहीं पे नहीं बैठ सकते थे, इतनी मेहनत, इतने लोगों को लेकर जाना। तो ये तीसरा टेस्ट था भरत जी के लिए, उनके पास चयन करने का मौका था, क्या चयन करना है और क्या चयन नहीं करना चाहिए। भरत जी ने आसानी का जीवन नहीं चुना, उनको राज सिंहासन बोलते हैं ना, राज सिंहासन उनको प्रस्तुत किया गया था, आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। और अगर वो कहते भी देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने अपनी, उन्होंने अपनी गलती को साबित भी कर दिया, फिर पिताजी की भी आज्ञा थी, अब पिताजी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का वचन है, मुझको चलाना पड़ेगा, जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम आएंगे तो उनको तुरंत दे दूंगा। तो अगर वो स्वीकार कर भी लेते तो कोई उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं कर पाता। तो ये एक तरीके से क्या है, ईजी ऑप्शन है, कंफर्टेबल ऑप्शन है, जिसको सब लोग चाहते हैं। जनरली कोई सेवा की बात आएगी तो क्या किस सेवा का चयन किया जाता है, जो ईजी है, और मुश्किल सेवा का चयन करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत कम ही लोग उसका चयन कर पाते हैं, और कि जो सेवा कम पसंद की जाती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत है, जिसमें ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या जो सेवा मुझको आती नहीं है, या जो सेवा मुझको पसंद नहीं है, या जो सेवा जिसको मैं जिससे मैं नफरत करता हूँ, अगर कोई एक सेवा मुझसे बोल दी जाए कि आप कौन सी सेवा नहीं करना चाहते, तो मैं वो बता दूंगा ये सेवा मैं जीवन भर नहीं करना चाहता, और फिर बोला जाए ये सेवा करनी है आपको तो ठीक है प्रभु जी, ये लो चाबी, ये लो सब कुछ, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते ये सेवा तो नहीं करूँगा। मैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसी सेवा चाहते हैं जिसमें आरामदायक जीवन हो, ताकि उसमें हमको थोड़ा आनंद भी प्राप्त हो जाए, और सेवा भी हो जाए और आनंद भी प्राप्त हो। कष्ट प्राप्त ऐसी सेवा करना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन भरत जी ने यही निर्णय किया कि मुश्किल है या आसान है, इस ये प्रश्न नहीं किया उन्होंने, उन्होंने प्रश्न किया कि इससे फायदा क्या होगा, ज़्यादा फायदा करना किसमें है, ज़्यादा नुकसान करना किसमें है, राम को लाने में ज़्यादा फायदा है या यहाँ पर राज्य करने में ज़्यादा फायदा है। उन्होंने ये निर्णय किया, उन्होंने ये देखा ठीक है कि अगर मैं राज्य करूँगा तो नुकसान ही नुकसान है, वो ऐसा अपना विचार करें, ऐसा उचित उन्होंने किया भी, लेकिन ऐसा बोल रहे है ना, तो ऐसा वो विचार कर रहे हैं। और तब उन्होंने ये निर्णय लिया, इस बात का निर्णय लिया कि मुश्किल ही सही, लेकिन जो सही है धर्म के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, उस वो निर्णय हमको लेना चाहिए। और उन्होंने वही निर्णय लिया जो देखने में बहुत मुश्किल, बहुत कठिन या बहुत अप्रिय लगता था। अप्रिय कहने के सेंस में प्रिय तो था सबको, प्रिय कहने के सेंस में करने के उसमें कि अभी बहुत मुश्किल, इसको करना बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, मुश्किल हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे ऐसी जब चॉइस की बारी आती है तो लोग ये डिसीजन नहीं कर पाते, या ऐसा निर्णय नहीं कर पाते, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, है ना। तो जब तक, जहाँ तक हिम्मत की अगर बात करते हैं तो हिम्मत का क्या मतलब है, हिम्मत जब हिम्मत की बात करते हैं तो हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, कि हो सकता है डर ना हो, डर भी हो भी सकता है, डर हो भी सकता है, लेकिन हिम्मत का मतलब होता है डर होने के बावजूद भी वो कार्य करना, एटलीस्ट करने का प्रयास करना या ट्राई तो करना, ये जानते हुए क्या कि डर के आगे जीत है। डरेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि डिसीजन सही लिया है या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जो पानी से डरता रहेगा, पानी में कभी उतरेगा ही नहीं, क्या कभी स्विमिंग सीख पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा, है ना। जो ड्राइविंग से डरता रहेगा, जो कभी स्टेयरिंग व्हील पर को हाथ में ही नहीं लेगा और बोलेगा मैं तो पीछे बैठ के देखता रहता हूँ, कभी चला पाएगा, नहीं कर पाएगा, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो करेज का मतलब यही है, करेज का मतलब क्या है कि एटलीस्ट टेकिंग वन स्टेप,
सॉरी वन स्टेप नहीं, फर्स्ट स्टेप, वन स्टेप नहीं फर्स्ट स्टेप, शुरुआत करना। सही और गलत तो बाद में आएगा, पहले शुरुआत तो करना। तो भरत जी यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत करने के लिए तैयार थे, अभी तक कोई सोच ही नहीं रहा था इस विषय में, तो वो आगे आए और उन्होंने वो शुरुआत करने को कहा। और गलत है या सही है वो तो करने के बाद पता चल जाता है कई बार, है ना। तो देर वॉज वन डिसीजन पेंडिंग इन आर्मी फॉर टेंस ऑफ ईयर्स, 10 सालों से एक डिसीजन पेंडिंग था और उस डिसीजन से संबंधित एक 1400 पेजेस का रिपोर्ट बनाया गया। और उस लेकिन डिसीजन नहीं लिया गया, कई अफसर आए और चले गए लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। एक अफसर पर आया, नया अफसर आया, उसके सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसने 1/4 वो रिपोर्ट पढ़ी और डिसीजन ले लिया। अरे लोग कहने लगे आपने पूरी पढ़ी नहीं, डिसीजन कैसे ले लिया? बोले जब सही गलत कैसे पता चलेगा, किसी ने आज तक डिसीजन लिया ही नहीं है। डिसीजन लेंगे तो सही और गलत का पता चलेगा ना। तो यानी फर्स्ट स्टेप लेंगे हम, कभी भगवान राम वापस नहीं आएंगे, चले गए, जब तक जाएंगे नहीं उनसे मिलने के लिए तो कैसे पता चलेगा कि वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, बातचीत करेंगे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा ही विचार हो जाता है और व्यक्ति ना सेवा नहीं कर पाता अपनी, पता नहीं क्या कहेंगे, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे भाई डाउटफुल रहने से बढ़िया तो सेवा कर लेनी चाहिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है कि रिजल्ट इतना प्लीजिंग ना हो, और अगर कन्फ्यूजन है तो क्लैरिफाई कर लो। लेकिन इन एक्शन से बढ़िया तो रॉन्ग एक्शन है। क्यों? रॉन्ग एक्शन से यू विल रीच समवेयर, इन एक्शन से यू विल रीच नोवेयर, आगे बढ़े ही नहीं। तो रॉन्ग एक्शन से कम क्या पता चल जाएगा कि कम से कम ये एक्शन नहीं करना, अगली बार करना है तो ये एक्शन ही करना। वो एडिशन बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने, 900 बार फेल होके, 900 बार बोले 900 बार फेल हो गए आप, बोले 900 बार फेल नहीं हुआ, 900 तरीके जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो ये कम से कम अगली बार वो तरीका तो नहीं अपनाऊंगा ना, और आखिर कामयाब भी हुए। तो केवल फेलियर के डर से एक्शन नहीं करना या इन एक्शन में रह जाना, ये उतना उचित नहीं है। और यहाँ पर, और जब यहाँ पर बात आती है कि अगर भरत जी के डिसीजन की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया और वो एक बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि उसको प्रजावासियों की भी पुष्टि थी, गुरु जी की भी पुष्टि थी, और शास्त्रों के अनुसार भी था, शास्त्रों के ऊपर पूरी तरह से आधारित वो उन्होंने एक डिसीजन लिया, इसीलिए वो उनका बिल्कुल सही डिसीजन था। तो उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सही रास्ता चुना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको चुनाव आ जाए, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता, ठीक है। तो और कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर स्टैंडर्ड्स हैं, हाई स्टैंडर्ड्स करने के लिए थोड़ी मुश्किलें सामने आएंगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेस करना है तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आसान यही कंफर्टेबल या कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी हो सकता है कि स्टैंडर्ड्स को कभी रेज ही ना करना। और उन्होंने एक प्रकार से ये ऐसा निश्चय या ऐलान कर दिया कि चलिए हम सब जाएंगे भगवान राम को वापस लेके आने लेकर वापस आएंगे। तो जब वशिष्ठ मुनि ने भरत जी के द्वारा ये ऐलान सुना, ये घोषणा सुनी, तो इनका उनका हृदय बहुत प्रसन्न हो गया। उनको बहुत खुशी का एहसास हो रहा था कि भरत जैसा व्यक्ति मेरा शिष्य है, यानी इस ऐसे ही व्यक्ति को शिष्य बनाना चाहिए या ऐसे ही व्यक्ति को शिष्य देना चाहिए। और ऐसा ऐलान करके, ऐसी घोषणा करके सही रूप से गुरु को उन्होंने गुरु दक्षिणा दी है, यही वास्तविक रूप में गुरु दक्षिणा हो सकती है। तो उनका ऐसा मन में उनके विचार आ रहे थे और वो बहुत प्रसन्न थे, और प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो इस प्रकार से भरत जी के टेस्ट हो रहे हैं। पहला टेस्ट हुआ उनका माता कौशल्या के द्वारा, उन
उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया और उन्होंने उसको डील किया कुछ वॉज से या कुछ एफर्मेशंस लेकर, वॉज का पालन करके। फिर उनका वशिष्ठ जी के द्वारा टेस्ट किया गया, उनकी सबकॉन्शियसनेस डिजायर्स का टेस्ट किया गया और जिनको उन्होंने सावधान रहकर, चौकन्ना रहकर, अलर्ट रहकर कि कहीं भूल ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है अपनी सटल डिजायर से अलर्ट रहने के लिए। जैसे वो कहते हैं ना, प्रभुपाद जी बताते हैं ना, डू नॉट फ्लर्ट विद माया। तो ये फ्लर्ट विद माया, अगर व्यक्ति अलर्ट नहीं है तो ये बहुत हो सकता है, और फ्लर्ट किया और फिर उस दिशा में बह जाए पता नहीं चलेगा। तो बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और तीसरा, जो उनके पास बिबिल्डरिंग कंफ्यूजिंग डिजायर चॉइसेस थी, तो उसमें उन्होंने निर्णय किया किस आधार पर कि ग्रेटर ग्रेन और ग्रेटर लॉस, और इजी और कंफर्टेबल और डिफिकल्ट, या फिर राइट चॉइस, इसके बीच में उन्होंने निर्णय किया। तो ये कुछ लेसन थे आज के संदर्भ में हमको प्राप्त होते हैं। कुछ इसी प्रकार से कुछ और भरत जी के टेस्ट होंगे जब तक वो भगवान राम से मिलेंगे, रास्ते में उनसे भेंट होती है और उनके टेस्ट होते हैं। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन वन, एनी क्वेश्चन टू, एनी क्वेश्चन थ्री। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलो प्रभु जी, बोलो। क्वेश्चन है, जैसे गुरु जी आपने बताया कि वो गुरु को रिपीट करने का, तो जैसे गुरु जी हम स्कॉन के अभी करंट सिनेरियो में देखते हैं क्या क्या, सॉरी दोबारा रिपीट करना, दोबारा अभी हम करंट सिनेरियो में स्कॉन के देखते हैं ना। हरे कृष्णा, पूरी पूरी बात दोबारा रिपीट करो, इससे पहले क्या बोला था आपने। अच्छा, तो जी जैसे आपने बताया था कि हम गुरु को, गुरु का कॉन्टेक्स्ट आया था ना रिपीट करने का, गुरु को रीपे, तो गुरु क्वेश्चन है कि हाँ जी, तो जैसे गुरु जी अभी हम करंट सिनेरियो में है, कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो जैसे हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं और भी अदर सीनियर्स होते हैं जिनसे हम और कुछ सीखते हैं, तो कैसे गुरु जी हम उनको, हम रिपे तो नहीं कर सकते क्योंकि बाबा कहते हैं, लेकिन कैसे हम उनको अपना ग्रेटिट्यूड और थैंक्स किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, गुरु जी, सो दैट वी कैन वैल्यू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन अवर लाइफ। और यस, तो भागवतम बताता है हमको कि हम गुरु के को द्वारा, मतलब गुरु के द्वारा जो हमारे ऊपर एहसान किया गया है उसको हम पेन रीपे नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा विचार भी करता है तो उसको हंसी का पात्र बनाया गया है, विनोद पात्रम, इसका ट्रांसलेशन किया जाता है जोकर के रूप में। जोकर है ना, यैर ईदृशी गतिर आत्मवादा, विनोद पात्रम। तो ये वर्ष हमको बताता है कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं गुरु के जो ऋण है मेरे सर के ऊपर उसको उतार दूंगा, तो वो केवल हंसी का पात्र है, विनोद पात्र, यानी वो जोकर के समान है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा कि आपने बताया, लेकिन दो तरीके हैं। अगर हम आप भागवतम से ही देखोगे तो उसमें बताया जाता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को ये अधिकार दिया जाता है कि वो कुछ भी मांग सकते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद के साथ युद्ध करने के लिए मांगा था, तो ये भी वर्णन आता है। तो उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी क्या इच्छा है, और अगर आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, और करने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के रूप में जो सबको प्रयास करना चाहिए कि गुरु के मूड और मिशन को समझकर उनको
पूरी तरह से असिस्ट करने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया, भरत जी ने भगवान राम के मूड और मिशन को समझा और अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, अपने जीवन को मोल्ड किया, अपने कंफर्ट का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, फ्लेक्सिबल रहे और गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता पड़े उसी प्रकार से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। कोई लिमिटेशंस नहीं होना, कोई बाउंडेशंस नहीं होना, कोई चॉइस नहीं होना, जो सेवा कहा जाए उसको अच्छे तरीके से करना ताकि गुरु का मिशन आगे बढ़े। क्योंकि हमको ये जानना चाहिए गुरु शिष्य क्यों बनाते हैं। गुरु शिष्य बनाते हैं उनको जो उनके द्वारा गुरु के द्वारा मिशन दिया गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। उनको अपनी कोई पर्सनल सेवा कराने की एम्बिशन नहीं है, प्रचार के लिए उन्होंने वो शिष्य बनाते हैं। तो गुरु के मिशन में असिस्ट करने के लिए हमको तत्पर रहना चाहिए और जो भी आवश्यकता पड़े वह सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस माध्यम से हम प्रयास कर सकते हैं गुरु को प्रसन्न करने का। तो इट वुड बी काइंड ऑफ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज वी कैन नॉट फुली रीपे अ ह्यूज डेट ऑन आर हेड, है ना। जो गुरु के द्वारा हमारे ऊपर ऋण है उसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते, कभी नहीं उतार सकते। मैं उम्मीद करता हूँ इट हेल्प्स यू। एनी अदर क्वेश्चन और डाउट यू वुड लाइक टू क्लैरिफाई? हरे कृष्ण, विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बद्रपुर, तीन सिक्के बताए थे, ठीक है। तो तीन सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन ऑफ हैंकरिंग के दो पहलू हैं, जो हंगर एंड थर्स्ट, कॉइन ऑफ एक्सपीरियंस जॉय एंड सॉरो, और कॉइन ऑफ एग्जिस्टेंस बर्थ एंड डेथ। दिस इज व्हाट इज देयर। सो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि भूख और प्यास, बस द डिटेल इज नॉट देयर। Few things in shastras are inconceivable. I mean, I'll try to check. If I'll get something, I'll get back to you. I'm not sure whether I'll be able to get it, but that is what is mentioned, coin of anchoring, and I'll check. Okay, let's wind up here. Hare Krishna. जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हिताई गौर प्रेम वंदे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेम वंदे। हरि हरि बोल।